सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को इन्जॉय कर सकें। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहां पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं। सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों, पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी। मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी। ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है। बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशल मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है, वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर। तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी। आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट से वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों, यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं जिसके अंदर हम आगे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए ये मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं। क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये एक इसका माइनस पॉइंट है। बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सूजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है। इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3, अ फ्लाइंग जेट,
ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाला है सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर सरद सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की पूरी कहानी है बड़े लेके पर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही। अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले। काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना तो यह मूवी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं। यूट्यूब पर अभी यह मूवी अवेलेबल नहीं है बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ही यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूँगा। वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और यह मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती थी तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे और मैं आपको बताऊँगा कि यह मूवी आप कहाँ पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं। सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट्स वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चल जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना
वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में, तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं जिसके अंदर हम आगे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए ये मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सुजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है। इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3 और फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज़ तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज़ दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धर्मेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर शरद सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की जो पूरी कहानी है बड़ले के ऊपर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और ये मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूंगा, वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आ चुकी थी, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें।
तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं। सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट से वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती है जिसके अंदर हम आगे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए ये मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये एक इसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सूजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3, फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर शरद सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं।
तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की जो पूरी की पूरी कहानी है बड़ले के ऊपर बनी है। दरअसल होता ये है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और ये मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी वीक है बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर अभी ये मूवी अवेलेबल नहीं है बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूँगा। वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती थी तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि ये मूवी आप कहाँ पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं, सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट्स हैं वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चल जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है।
अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुंचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं जिसके अंदर हम आगे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए यह मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर यह किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सुजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3 और फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है, तो कुछ मूवीज़ तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज़ दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाला है सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धर्मेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान, इसके अलावा आपको यहाँ पर सरस सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की जो पूरी की पूरी कहानी है बड़ले के ऊपर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है, तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और ये मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर अभी यह मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा, जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो को दे दूंगा, वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती थी, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहां पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं, सलमान खान भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना, ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी।
अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने 2 बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट से वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं जिसके अंदर हम आगे से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए ये मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सुजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3, फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर शरद सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की जो पूरी की पूरी कहानी है बड़ लिखे पर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको
काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है, जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूँगा। वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती रहती है, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को इन्जॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि यह मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं, सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहां पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी, और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं। सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना, ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के पर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी, पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के पर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के पर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है। और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था। और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है, वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में, तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर। तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट्स वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चल जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था, और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में, तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है, और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती है जिसके अंदर हम आगे से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है।
इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इसके लिए यह मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर यह किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सुजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है। इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3 और फ्लाइंग जेट, ABCD, और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज़ तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज़ दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धर्मेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर सरद सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की जो पूरी की पूरी कहानी है बडले के ऊपर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी यह मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ही यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो को दे दूँगा। वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना, वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती थी, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहां पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं, सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना, ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है,
बट कुछ लोगों को यह मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर यह मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट से वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती है जिसके अंदर हम आगे से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए ये मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सुजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3 और फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर शरद सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर मूवी की जो पूरी कहानी है बढ़ लिख के ऊपर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की है। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना तो यह मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर अभी ये मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के लिए दे दूँगा,
वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती रहती है, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहां पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं, सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के पर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के पर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के पर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट से वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल पर चल जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुंचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं जिसके अंदर हम आगे से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए यह मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर यह किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सुजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक
काफ़ी अच्छे डांसर है। इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेसरी ऑफ फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धर्मेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर सरज सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर मूवी की पूरी कहानी है वो बडले के ऊपर बनी है। दरअसल होता ये है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और ये मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर अभी यह मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो को दे दूँगा। वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती थी, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि ये मूवी आप कहाँ पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं, सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट्स हैं वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी।
अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती है जिसके अंदर हम आगे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए यह मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर यह किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सूजा ने। तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3, फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर सरज सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की जो पूरी कहानी है बड़ले के ऊपर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना तो यह मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर अभी यह मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ही यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूंगा, वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और यह मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आ चुकी थी, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा
जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं। सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी। मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी। ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात को कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है। बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर। तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी। आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट से वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चल जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती है जिसके अंदर हम आगे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है तो यहाँ पर इसके लिए यह मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर यह किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सूजा ने। तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेसरी ऑफ फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज़ तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज़ दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर सरस सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी,
राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्यन, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर मूवी की पूरी कहानी है बड़ले के ऊपर बनी है। दरअसल होता ये है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और ये मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूँगा। वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती थी, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि ये मूवी आप कहाँ पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं, सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट से वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है।
तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुंचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती है जिसके अंदर हम आगे से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए यह मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर यह किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सुजा ने। तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3 और फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर सरस सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की जो पूरी कहानी है बड़ले के ऊपर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की है। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूंगा, वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती रहती है, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि यह मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहां पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं, सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना, ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब
मूवी को बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी, पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशल मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है, वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट से वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर चल जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती है जिसके अंदर हम आगे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए ये मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सूजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3 और फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज़ तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज़ दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर सरज सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर मूवी की जो पूरी कहानी है वो बड़ले के ऊपर बनी है। दरअसल होता ये है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और ये मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको
काफ़ी सारे टीज भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की है। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं। यूट्यूब पर अभी ये मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूँगा। वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती थी, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को इन्जॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहां पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी, और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं, सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के पर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी, पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के पर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के पर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है, और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था, और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है, वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में, तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट्स से वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है, और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था, और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में, तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है, और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं जिसके अंदर हम आगे से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है।
इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इसके लिए यह मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर यह किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सुजा ने। तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3 ऑफ फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर सरस सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर मूवी की जो पूरी पूरी कहानी है बड़ले के ऊपर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है, उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर अभी यह मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ही यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूंगा, वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती रहती है, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि यह मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहां पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी, और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं, सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी को बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात को कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के पर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी, पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के पर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के पर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है,
बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशल मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट से वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर चल जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती है जिसके अंदर हम आगे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए ये मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सूजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3 और फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज़ तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज़ दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर सरज सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर मूवी की जो पूरी कहानी है वो बड़ले के ऊपर बनी है। दरअसल होता ये है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और ये मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर अभी ये मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के लिए दे दूँगा,
वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना, वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती थी, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि ये मूवी आप कहाँ पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं, सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट्स से वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है, मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती है जिसके अंदर हम आगे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए ये मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मजा कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सुजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक
काफ़ी अच्छे डांसर है। इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के पर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3 और फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धर्मेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर सरद सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की पूरी कहानी है बड़ लेके पर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही। अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले। काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं है बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूंगा। वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती रहती है तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को इन्जॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहां पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं। सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी को बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के पर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के पर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के पर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशल मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट से वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चल जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी।
अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में, तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती है जिसके अंदर हम आगे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए यह मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर यह किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सूजा ने। तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3 और फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज़ तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज़ दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर सरद सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की जो पूरी कहानी है वो बढ़ लिखे पर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी के जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी यह मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ही यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूँगा, वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती थी, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा
जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं, सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं। सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है, वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट्स हैं वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुंचेगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती है जिसके अंदर हम आगे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए ये मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सुजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3 और फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान, इसके अलावा आपको यहाँ पर सरद सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी,
राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की पूरी कहानी है बड़ले के ऊपर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले। काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूंगा। वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आ चुके थे, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहां पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं। सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना, ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशल मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट्स वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है।
तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुंचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं जिसके अंदर हम आगे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए यह मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर यह किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सूजा ने। तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3 और फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर शरद सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्यन, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट हैं उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की जो पूरी की पूरी कहानी है वो बड़ले के ऊपर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी के जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की है। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना, तो यह मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी यह मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ही यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के लिए दे दूँगा, वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और यह मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती थी, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि यह मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सकें। तो यहां पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं, सलमान खान भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब
मूवी को बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी, पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने 2 बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट्स हैं वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, Race 3। वैसे इस मूवी के पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में, तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं जिसके अंदर हम आगे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए ये मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सुजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा Race 3 और फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज़ तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज़ दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धर्मेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर शरद सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की जो पूरी कहानी है बड़ले के ऊपर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको
काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूंगा। वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आ चुके थे, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आप कहां पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहां पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी, और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं। सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी को बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशल मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था, और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में, तो ये मूवी आपको मिलेंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को G5 के ऑफिशियल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट से वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 के ऑफिशियल ऐप पर चल जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में, तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है, और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं जिसके अंदर हम आगे से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है।
इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इसके लिए यह मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर यह किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सूजा ने। तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेसरी ऑफ फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धरेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर शरद सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट हैं उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की जो पूरी कहानी है बड़ लेके पर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी के जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना, तो यह मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी यह मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ही यह मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूँगा, वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और यह मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती थी, तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक और बॉलीवुड की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रेस 3। तो अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं और इस मूवी के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में इस मूवी के कुछ आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि यह मूवी आप कहाँ पर से देख सकते हैं। सारी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी कमाल की मूवी को एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी के अंदर आपको मल्टी स्टार देखने को मिलने वाले हैं, सलमान खान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब मूवी काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को थोड़ा बहुत देखना ताकि आपको मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सके। दोस्तों पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस मूवी की जो रेटिंग थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब मूवी के बहुत ही कम रेट किया था, पर फिर भी ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही थी, ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि मूवी की रेटिंग भले ही कितनी ख़राब हो या फिर बेकार हो, फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो ही जाती है अगर कास्टिंग बड़ी हो, मल्टी स्टार हो और स्टोरी में थोड़ा दम हो। तो यहाँ पर भले इस मूवी की रेटिंग कम थी पर ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप नहीं रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप रही थी, पर दोस्तों ये मूवी फ्लॉप नहीं रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी काफ़ी अच्छी रही है और कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। कुछ लोग हैं जो हेटर है, बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है,
बट कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने दो बार इस मूवी को देखा था और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं फ्री में तो ये मूवी आपको मिलेंगी जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिलेंगी, आपको वहाँ पर कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मूवी को जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बाद में ये मूवी आपको काफ़ी सारे जो साइट्स वहाँ पर मिलेंगी और थर्ड पार्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर चल जाइए, वहाँ पर आपको ये मूवी आसानी से मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूवी की कहानी क्या है, मूवी के कास्ट में क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक देखना, वरना आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, रेस 3। वैसे इस मूवी के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्टोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा या फिर पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखेंगे तो भी आपको मूवी की कहानी समझ आ ही जाएंगी, क्योंकि हर पार्ट की कहानी अलग ही होती है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। अगर बात करें मूवी के रन टाइम के बारे में तो इस मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 2.5 घंटे का है, पर मूवी काफ़ी कमाल की है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये मूवी बांध लेती है और मूवी जैसे एंड तक पहुँचेंगी वैसे ही आपका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वही जानना चाहेंगे कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक दिक्कत ये है कि आप इस मूवी की जो कहानी है वो आगे से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं जिसके अंदर हम आगे से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इस मूवी के अंदर आप आगे से कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इसके लिए ये मूवी को दोस्तों कम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको आगे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो मूवी देखने का मज़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर ये किसका माइनस पॉइंट है, बाकी इस मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी सही है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली है 10 में से 1.9 की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाना, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही है। और वहीं पर इस मूवी को 60% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से, और इस मूवी को दोस्तों लिखा और डायरेक्ट किया था रेमो डी सुजा ने, तो इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे डांसर है, इन्होंने पहले बहुत सारी मूवी को बनाया है और वो मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी भी रही है। अगर बात करें तो इन्होंने दोस्तों पहले भी बहुत सारी मूवी को बनाया था, जैसे कि स्ट्रीट डांस 3D, इसके अलावा रेस 3 और फ्लाइंग जेट, ABCD और भी बहुत सारी मूवी बना चुकी है। तो कुछ मूवीज़ तो काफ़ी अच्छी रही थी और कुछ मूवीज़ दोस्तों बहुत ही बड़ी फ्लॉप भी रही थी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सलमान खान, जैकलिन, डैनिशा, अनिल कपूर, बॉबी डियोल, फ्रेड ध्रुवा, धर्मेंद्र जहा, सालोनी चोपड़ा, साकिब खान। इसके अलावा आपको यहाँ पर सरद सक्सेना, आदित्य पंचोली, नौशद अब्बास, सैयद सुजत, मिलन गुंजी, राजेश शर्मा, विशाल मिश्रा, राजेश खत्तर, अनुराग अरोड़ा, शिव आर्य, विक्रम गोखले, ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जो कास्ट है उनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी की बात करें तो यहाँ पर वो मूवी की जो पूरी की पूरी कहानी है बड़ले के ऊपर बनी है। दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पर सलमान खान है उनकी फैमिली को किसी ने मार दिया था बहुत पहले ही, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, और वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है कि वो कैसे बदला लेते हैं और कैसे सबको मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा मेन स्टोरी लाइन है। तो आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी कमाल की मूवी है और यह मूवी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी देखने को मिलते हैं और मूवी दोस्तों अवेलेबल है, तो आप फ्री में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं फ्री में। इसके अलावा इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी वीक है, बट मूवी काफ़ी कमाल की। अगर आपको एक एक्शन मूवी देखना पसंद है ना तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन देखने को मिलती है जो काफ़ी सही है। इसके अलावा मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अब आप इस मूवी को देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं है, बट इस मूवी को यूट्यूब पर जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के दे दूँगा,
वहाँ पर भी हम जो नई नई मूवीज आती है उनके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ये मूवी दोस्तों आप ज़रूर देखना। वैसे ये मूवी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल वहाँ पर आती रहती है तो वहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं।